बालों से जुड़ी हुई दिक्कत सिर्फ बालों से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये आपकी ओवरऑल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। बालों का ग्रोथ रुक जाना, समय से पहले सफ़ेद हो जाना, बाल तेज़ी से झड़ने लग गए हो, ये सारी चीज़ें बॉडी में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आपको भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम सताती हो, आपके बाल समय से पहले ही सफ़ेद होने लग गए हो, आपके बाल तेज़ी से झड़ते हो, ग्रोथ रुक गई है, नए बाल नहीं आ रहे हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स अगर है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो, यानी कि कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपको भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने की चीज़ों में न्यूट्रिशन वाली चीज़ें जो कि बालों के लिए अच्छा हो, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स को ऐड करने की ज़रूरत है। अपने डाइट में एक हेल्दी बदलाव लाकर आप अपने बालों को काला बना सकते हो, यानी कि अगर आपके बाल अगर समय से पहले ही सफ़ेद होने लग गए हैं तो आप इसको वापस से काला बना सकते हो। आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, बालों के जो टूट रहे हैं उसको भी रोक सकते हो, यानी कि आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने बालों को काला बनाए रखने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी से भरपूर जो खाने की चीज़ें होती है वो बालों को काला बनाए रखने में मदद करती है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने बालों को हमेशा के लिए काला बनाए रखना चाहते हो तो आप अपने खाने की चीज़ों में विटामिन सी को ऐड करें। विटामिन सी जैसे कि खट्टे फल हो गए हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला सबसे बड़ा सोर्स होता है और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंवला से आप अपने बालों को काला बनाए रख सकते हो, इससे आपके बाल घने भी होते हैं और बालों का टूटना भी कम हो जाता है। तो आप रोज़ाना एक आध आंवला ज़रूर खाएं, या तो फिर आप इसका आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी है, इसलिए आपको आंवला भी खाना चाहिए। भले ही आप तेल यूज़ कर रहे हो मगर आपको आंवला भी खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अंदर से आपके बालों को काला बनाए रखने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा मिनरल्स जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, बालों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप अपने बालों को हमेशा के लिए घना बनाना चाहते हो, बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, उसको काला बनाए रखना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो कि ड्राई फ्रूट्स में मिलती है, सीड्स है, बीज हो गए, आप इसके लिए बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट खा सकते हो। ये सारी चीज़ें खाकर आप अपने बालों में जो है वो नई जान ला सकते हो और बालों को काला बनाए रखने में हेल्प कर सकते हो। विटामिन बी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन बी जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है, दूध, दही, छाछ वगैरह में विटामिन बी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, ये भी बालों को काला बनाए रखने में मदद करता है। करी पत्ता बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। करी पत्ते का आपने सुना भी होगा कि बालों में पेस्ट भी लगाया जाता है, यहाँ तक कि मेहंदी वगैरह में भी करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपको अंदर से करी पत्ते के घूंट चाहिए तो आपको इसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको करी पत्ते की 10 से 15 पत्तियाँ ले लेनी है। एक कप पानी में आपको इसको अच्छे से उबाल लेना है, फिर ऊपर से आप नींबू निचोड़कर इसको पी सकते हो। ये काढ़ा बहुत ही गजब का होता है, ये आपके बालों को हमेशा के लिए काला बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल सफ़ेद दिखने लग गए हो तो आपको ये काढ़ा रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए।